नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। कहते हैं मथुरा आए और होरी नहीं सुनी तो क्या खाक मथुरा आए, और इन्हीं होरी के गीतों से रूबरू करवाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के मशहूर कलाकार बाके बिहारी शर्मा जी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देखिए, पूरे देश भर में होली होती होगी लेकिन मथुरा में तो होरा होता है, और जितने भी रंग होते हैं उससे कई ज्यादा उसे मनाने के ढंग होते हैं। और अगर बात मथुरा की कर रहे हैं, ब्रज की कर रहे हैं, कान्हा की नगरी की कर रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ प्रस्तुतियां आपको सुनाएंगे। जरा बताएं कितना महत्व है ब्रज का, और पूरे विश्व से हम देखते हैं ब्रज में होली खेलने के लिए आते हैं, और इसीलिए गाना मशहूर है, आज ब्रज में होली रे रसिया। बाकी हरी शर्मा, पहले तो यहाँ की होली के बारे में आपको बताता हूँ। आज जो पर्व है फागुन शुक्ला एकादशी, इसको कहते हैं रंगवर्णी एकादशी। आज श्री कृष्ण जी जन्म स्थान पर होली होती है और देश विदेश से यहाँ इसे देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा बरसाने की होली होती है, वो दसवीं में हो चुकी है, तो मैं चाहूँगा आपको एक होली का भजन प्रस्तुत करूं। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया भर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया भर जोरी रे। चंद सखी भज पाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज पाल कृष्ण, युग युग जीवे यह जोड़ी रे रसिया, युग युग जीवे यह जोड़ी रे रसिया। प्रस्तुति, अब जरा ये बताएं, क्योंकि हमने सुना है कि अलग अलग प्रकार की होलियां 40 दिन से होलियां खेली जाती है, लठमार होली होती है, फूलों वाली होली होती है, लड्डू होली होती है, जरा अपने गायन के माध्यम से कुछ दो लाइनों के माध्यम से बताएं, जब भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ जाते थे कैसे जो गोपियां लठमार के उन्हें भगाया करती थी। पहली बात तो ये है कि यहाँ होली का डाणा गढ़ता है बसंत पंचमी को, बसंत पंचमी से और फागुन की पूर्णिमा तक, होलिका दहन तक, उसके बाद फिर रंगों की होली अगले दिन पड़वा के दिन होने की परंपरा है यहाँ पे, यानी 40 दिन की होली कही जाती है ब्रज की, और ये ब्रज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होती है। दाऊ जी का औरंगा कहलाता है होली की, उसे कहते हैं औरंगा, होली न करके औरंगा कहते हैं। बरसाने की होली होती है लठमार होली, लठामार होली से कहते हैं, मथुरा की होली, नंदगाम की होली। तो होली का निमंत्रण
नंदगाम जाता है बरसाने से, ग्वाल वालों के लिए कि आप गोपियों के साथ होली खेलने के लिए आइएगा। और गोपियाँ अपने लट्ठों को तैयार कर लेती हैं कि भाई ये होली खेलने आएंगे तो हम इनको बताएंगे कि होली कैसे खेली जाती है, मजा चखाएंगे। और ग्वाल वालों को भाई वो भी तैयार हो जाते हैं, ग्वाल वालों को भी अपना कोई ना कोई साधन ढूंढना पड़ता है लट्ठों से बचने का, तो वो लेते हैं ढाल। तो लट्ठ मार होली, गोपियां शुरू करती हैं लट्ठ मारना और ग्वाल वाल ढालों से अपने को बचाती हैं गोपियों के लट्ठों से। जब गोपियां चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ लीला करें, उनके साथ रंगों की होली खेलें, जरा उसको दो लाइन में गुनगुनाएं। अच्छा अच्छा नंदगाम गोपियों का टोल जाता है राधा रानी के साथ होली खेलने के लिए, और भगवान कृष्ण को चुनौती देते हैं वो कि आप अपनी मैया के आंचल में जाके छुप गए हो, आप होली खेलने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। होहोरी हो ब्रजराज दुलारे, ब्रज में हो ब्रज राज दुलारे, होरी हो ब्रज राज दुलारे। ये ब्रज की परंपरागत होली है, काफी राग में है। अब क्यों जाए छिपे जननी, लीलाएं दिखाते थे, उनकी लीलाओं को अपने गीतों के बारे में थोड़ा सा बताइए। उनकी लीलाओं में माखन चोरी लीला होती है, गोपियां घरों पे आती हैं उनकी शिकायत करने के लिए, माँ जसोदा उन्हें समझाती है कि बेटा अब तुम चोरी करना लाला छोड़ दे, क्योंकि तेरे सगाई बारे आमे तो गोपी तो चोर बता के और सगाई बारे ने वापिस भेज दे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया चोरी करना तो मैंने बहुत दिन को छोड़ दियो। वो एक गीत के माध्यम से मैं बताऊं। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगू चोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगू चोरी। पर साची कह कब लावेगी तू मोकु दुल्हन गोरी, पर साची कह कब लावेगी तू मोकु दुल्हन गोरी। सौखाओ भाई गोरी सी हो ए सुघड़ छोटी, गोरी सी हो ए सुघड़ छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। सुआ सारी, सुआ कहते हैं तोते को, नाक उसकी तोता जैसी होनी चाहिए। और सौभाग्य से भगवान की कृपा से आपको भी ऐसी मिली है सुंदरता, आपकी भी नाक उसी प्रकार की है राधा रानी जैसी। जय श्री राधे। और सुआ सारी नाक आंख मोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी, तोते छुपाए के
घर न जाऊं मैया अब न करूंगो चोरी, सौ खाऊं पर घर न जाऊं मैया अब न करूंगो चोरी। वाह क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा मंच यहाँ पर भक्तिमय हो चुका है। लेकिन अगर हम कृष्ण की लीलाओं की बात करते हैं, सबसे जो उनका मशहूर लीला है माखन चोरी को लेकर, माखन चोरी बिल्कुल अच्छा। माखन चोरी हर कोई दर्शक सुनना चाहते हैं, जब माखन चोरी करने की लीलाओं की बात हो और माखन चोरी का जिक्र ना हो। माखन चुराने के लिए भगवान गोपीन के घर जामे और एक गोपी खुद भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवान आप मेरे घर कभी नहीं आते। तो उस गोपी की भावना को व्यक्त कर दूं आप कहें तो। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। माखन खाने जब चले गए तो वही दोबारा दर्शन करने की उसकी इच्छा हुई कि भाई कैसी मनोहारी छवि थी कान्हा की, अब एक बार और दिखे तो क्या क्या हो, और शिकायत करने के बहाने चली गई। क्या कहने लगी, ए जी ले गया ले गया ले गया ही मेरी माखन की बटकी, ले गए थोड़ा काट देना उसको, ले गयो ले गयो री मेरी भरी भराई जे तो, ले गयो री मेरी भरी मटुकिया, ले गयो री मेरी भरी मटुकिया, ले गयो ले गयो ले गयो री मेरी हो, अरे कछु खायो कछु वालन ने खवायो, 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 रीति कर मोए दे गयो री मेरी भरी मटकिया, ले गयो री मेरी भरी मटकिया, ले गयो ले करती हैं गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कि आप आए रंग लगाएं और उसके बाद ऐसा रंग खेला जाता है, ऐसी धुआंधार होली होती है, उसके बाद गोपियां कहती हैं
कि आपने पूरी चुनरी मेरी रंगदारी मुंह पे ऐसा रंग लगायो, तो कान्हा का जब रंग चढ़ जाता है, देखिए वैसे तो रंग उतर जाता है जो ये अबीर गुलाल का है, लेकिन जब कान्हा का रंग चढ़ता है वो नहीं उतरता है, तो जरा उसको लेकर, उस प्रेम रंग को लेकर दो लाइन हो जाए। भगवान को निमंत्रण देती हैं गोपियां, अरे होरी खेले तो आ जाइयो मदन गोपाल, गाम मेरो बरसाना, होरी खेले तो आ जाइयो मदन गोपाल, गाम मेरो बरसाना। ए बरसानो है देख गाम हमारो, बरसानो है देख गाम हमारो, राधा रंगीली है नाम हमारो, राधा रंगीली है नाम हमारो, ए जी मेरे महलन पे हमें मेरे महलन पे, ए जी मेरे महलन पे लहरावे झंडा लाल, गाम मेरो बरसानो, ए होरी खेले तो आ जाइयो मदन गोपाल, गाम मेरो बरसानो, होरी खेले तो आ जाइयो मदन गोपाल, गाम मेरो बरसानो। क्या बात है, अब कान्हा और उनकी गोपियों की तो काफी बात हो गई, अब बात होगी राधा और कान्हा जी की, उनके बीच का जो प्रेम था उसको गीतों के माध्यम से जिक्र करें आप। बोलिए सी राधा रानी की, ब्रज को रसिया ब्रजवासी, ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन का ना को दास आत्मा राधा की दासी, मेरो मन का ना को दास आत्मा राधा की दासी, हृदय वृंदावन में डोले, हृदय वृंदावन में डोले, मेरी सांस सांस राधे कृष्णा बोले, मेरी सांस सांस राधे कृष्णा बोले, ब्रज को रसिया ब्रजवासी, ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन का ना को दास आत्मा राधा की दासी। अरे राधा राधा कृष्ण दो एक है, राधा कृष्ण दो एक में इनमें अंतर नाय, राधा कृष्ण दो एक में इनमें अंतर नाय, राधा राधा जो कहे तो कृष्ण सामने आए, राधा राधा जो कहे वही कृष्ण सामने आए, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्यामा गोरी, श्यामा गोरी नित्य किशोरी, प्रियतम जोड़ी श्री राधे, रसिक रसीलो छेल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।
जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। हम देखते हैं माँ और बेटे का भी प्यार बहुत निराला होता है। माता रानी जब उनकी मैया भगवान कन्हैया की मैया उनको डांट लगाती हैं कि उनके हरकतों से परेशान हो जाती हैं, तो जरा उसको लेकर दो लाइन हो जाए, माता और बेटे के रिश्ते को लेकर। होली के वक्त माता के साथ कैसे होली खेलते हैं भगवान श्री कृष्ण? माता के साथ होली खेलने का तो कोई वो नहीं है, कहीं भी कोई विधान ना कोई। अच्छा नहीं है तो फिर उसको नहीं ऐड ऑन करेंगे, तो फिर क्या क्या हो सकता है? वो ये वो समझाती है कृष्ण को। आप मुझे बताए फिर और कौन कौन सा हो सकता है? सखियों के शिकायत करने बरसाने की, बरसाने की होली को लेकर कर लें। बरसाने की होली भगवान जाती है स्वयं अपने टोल को लेकर के, उस तरह का है। हाँ, तो उसको लेकर करते हैं, ठीक है। रुके रुके, दूसरा नाम फाग है। रुके, मैं सवाल करूंगी जब आप, ठीक है जी। बिल्कुल, बरसाने की होली के भी खूब रंग चढ़ते हुए नजर आते हैं, उसकी भी खुमारी अलग ही नजर आती है। बरसाने की होली कितनी अद्भुत और अलौकिक होती है और कितना उसमें उमंग होता है, उसके बारे में जरा दो लाइन के माध्यम से व्याख्या करें। बरसाने की होली देखिए, क्योंकि वहाँ राधा रानी का निवास है और वहाँ उनकी सखियां चंद्रावली, भूदेवी, सुदेवी, जो भी इनकी साथी हैं वहाँ निवास करती हैं, और बरसाने से नंदगाम, नंदगाम से बरसाने, बच्चे आते जाते खेलते रहते थे और इस प्रकार से उनमें एक अलौकिक प्रीत का उनमें संस्कार भरा हुआ था, और उस संस्कार के माध्यम से ही वहाँ होली का प्रचलन हुआ, अन्य लीलाओं का प्रचलन हुआ, यहाँ तक के विवाह सगाई भी इसी तरह से हुए। तो उनके निमंत्रण पर होली खेलने जाते हैं, वही बरसाने की होली का मैं एक आपको सुनाता हूँ भजन। फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर छलिया माखन चोर, हा नटवर नंद किशोर छलिया माखन चोर। फाग खेलन बरसान में आए हैं नटवर नंद किशोर, तेरी घेर लई सब गली रंगीली, घेर लई सब गली रंगी, और छाय रही है छटा छबीली, छाय रही है छटा छक, ढप ढोल ढप ढोल डप ढोल मृदंग बजाए हैं बंसी की घनघोर, फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाई अबीर की घोर अंधियारी, भाई अबीर की घोर अंधियारी, और दिखत ना है कोई नर और नारी, दिखत ना है कोई नर और राधे ने, राधे ने, राधे ने सैन चलाए हैं, पकड़े माखन चोर, फाग खेलन बरसान आए हैं नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर ने पकड़े गिरधारी। अबीर गुलाल की जो अंधियारी हो गई थी उसका लाभ उठा करके भगवान कृष्ण को गोपी ने पकड़ लियो और चुनरी उड़ा गई और लहंगा पहरा दियो, नर से नार बना दिए। सखियन ने पकड़े गिरधारी, सखियन ने नरते श्याम बनाए दिए नारी, नरते श्याम बन, ओ सखियन ने पकड़े गिरधारी, सखियन ने पकड़े,
और नर ते शाम बनाए दिए नारी नर ते शाम और कट लहंगा पहराए हैं ते काजर की कोर पाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किसो आ नटवर नंद किसो नटवर नंद किसो नटवर नंद किसो चलिया माखन छोर पाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किसो। बेहतरीन प्रस्तुति। अब एक आखिरी गीत हो जाए क्योंकि हर कोई विश्व जगत से आना चाहता है ब्रज में होली खेलने के लिए, देश विदेश से आना चाहता है, तो कैसे ओरियारी उनको न्योता देते हैं कि आइए आप ब्रज में होली खेलिए, हमारे रंग में सराबोर होइए। वो तो बरसाने से नंदगांव का तो न्योता हो गया, अभी बताया था ना होली खेले तो आ जाइयो मदन गोपाल गांव मेरो बरसानो। अब आप क्या चाहती हैं? मथुरा की होली की जो खूबसूरती है उसको भी बयां करिए गीतों के माध्यम से। होली का पर्व हमारे ब्रजभूमि में तो अद्भुत है और यहाँ जैसा कहीं भी नहीं होता, सभी जानते हैं, और इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और आज भी आए हुए हैं। तो हम तो सभी लोगों से यही कहेंगे, जितने भी भारत से जाकर ब्रज से जाकर के जो विदेशों में बसे हैं वो ब्रज में अपनी पूर्ण निष्ठा रखें। भगवान कृष्ण एक ऐसे केंद्र बिंदु हैं हमारी संस्कृति के, जिन्होंने पूरे विश्व को एक ऐसी संस्कृति सभ्यता दी है जिसे अपना करके लोग सुख पा रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके लोग कल्याण को प्राप्त हो रहे हैं। क्या खूबसूरती है मथुरा की होली की कि लोग खींचे चले आते हैं दूर दूर से, ना सिर्फ देश से बल्कि हमने देखा विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। जो कुंज गलियां हैं वो भी काफी ज्यादा मशहूर है कि हाँ। कुंज गलियों में, क्योंकि हम भी आज खो गए थे, जरा उन कुंज गलियों की भी व्याख्या करें। वो कारण ये है कि यहाँ अगर लोग आए हैं तो उन्हें कोई अपना परिचय बताने की या किसी से अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है होली खेलने के लिए। अगर यहाँ आएंगे तो रंग डालने वाले बड़े प्रेम से उन पर रंग डालेंगे, उनके गालों पे गुलाल भी लगाएंगे, हैं? और हमारी होरियारिन है और हल्के हल्के दो चार लट्ठ भी जमा देंगी, वो बड़े हंसते हैं, बड़ा उन्हें आनंद आता है मीठे मीठे लट्ठों की मार से। तो ये ब्रज तो बड़ा ही प्रेम का केंद्र है, यहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी प्रेम लीलाओं का पूरी तरह से संचालन किया है, सभी को प्रेम का संदेश दिया है, और खासकर प्रेम के संदेश के साथ साथ कर्म का कर्मण्येवाद कारस्ते जैसा एक बहुत बड़ा गीता ज्ञान दिया है। ये दोनों ही प्रेम में ही खो जाना कल्याणकारी नहीं है मनुष्य के लिए, एक उम्र विशेष में आने के बाद अपने कर्म पर अपने कार्य पर अपनी कार्यशैली को बदलते रहना जरूरी है, ये भगवान कृष्ण हमें बताते हैं। उनसे बड़ा कोई उपदेशक नहीं, उनसे बड़ा कोई ज्ञानदाता नहीं, और उनसे बड़ा कोई प्रेम करता नहीं है। तो अब एक आखिरी गीत हो जाए मथुरा की खूबसूरती, वहाँ के कुंज गलियों को लेकर, यहाँ के होरियारों और आप जैसे कलाकारों को लेकर। तो ब्रज धाम के ऊपर जो हमारा भजन है उसी को हम आपको दोहराते हैं। ओ चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर ले ओ जी, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर ले ओ जी, ओ दर्शन कर ले ओ सुमिरन कर ले ओ, दर्शन कर ले ओ सुमिरन कर ले ओ, वंदन कर ले ओ जी, लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर ले ओ जी, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर ले ओ जी। इस ब्रज धाम में मथुरा नगरी अपने में बहुत महत्व रखती है और इस मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया था, वो पास में ही वो स्थान है। ओ ये है मथुरा नगरिया जय बोलो, ये है मथुरा नगरिया जय बोलो, यहाँ जन्मे सांवरिया जय
आधी आधी रात जन्म प्रभु लीनो आधी आधी